हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो यूनिट सेकेंड में कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं हमारा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में, तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के बारे में, जो बिल्कुल जो मार्कोनिकोव रूल्स था उसके अपोजिट होगा। बस थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ डिफरेंस होने वाला है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे दोस्तों को भी शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस लेक्चर में, बहुत ही छोटा लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकोव रूल्स। तो एंटी का मतलब जो मार्कोनिकोव रूल में हो रहा था उसका अपोजिट इसके अंदर होगा। तो मार्कोनिकोव रूल में क्या हो रहा था कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम था, जैसे HBr में हाइड्रोजन एटम है, वो किस कार्बन से जाके अटैच्ड हो रहा था, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर सबसे ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये उस कंपाउंड से जाके अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो यही लिखा हुआ थ्योरी में। दिस रूल इज आल्सो नोन एज करस इफेक्ट और ऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि करस नामक जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रूल को बताया था। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल इफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक परोक्साइड, और इसके अंदर ऑर्गेनिक परोक्साइड भी प्रेजेंट होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी, देन हाइड्रोजन एटम इज एडेड टू द कार्बन एटम हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कौन से कार्बन से अटैच होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, एक सिंपल रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन यह है, उसके बाद मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो ये कोई एल्किन कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन HBr से हम करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। तो क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था कि ये हाइड्रोजन था, यहां पे अटैच हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, जो कम अमाउंट, कम नंबर है हाइड्रोजन का, उससे ये अटैच होगा। तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल हो गया। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसकी। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप है परोक्साइड डिसोसिएट टू गिव एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। जो हमने परोक्साइड इस रिएक्शन के अंदर यूज किया है वो डिसोसिएट होगा, रिएक्शन करके बनाएगा क्या, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। तो ये परोक्साइड है, मेल्ट होके क्या बना दिया इसने, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल इसने बना दिया। सेकेंड स्टेप में जो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल बना है वो अटैक करेगा HBr में, जिससे क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, Br फ्री रेडिकल, ब्रोमिन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जिनका जो भी है आगे रिएक्शन में काम आएंगे। तो ये हमारा एल्कोक्सी फ्री रेडिकल HBr से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्कोक्सी और Br फ्री रेडिकल, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक्ट ऑन द एल्कीन टू गिव 1 डिग्री 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब जो हमारा जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो इस एल्कीन पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, तो एक तो 1 डिग्री हमारा इस पर फ्री रेडिकल आ गया, तो ये 1 डिग्री हो गया, और इस पर फ्री रेडिकल आ गया तो ये 2 डिग्री हो गया, क्योंकि 2 कार्बन इससे अटैच हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज होगी। अब जो आगे रिएक्शन होगी इस कंपाउंड की HBr से, तो इसमें जो ज़्यादा डिग्री है, 2 डिग्री कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन होगी। तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल 2 डिग्री रिएक्ट विथ HBr टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, इसकी रिएक्शन होगी HBr से, जिससे हमें रिएक्शन मिलेगी हमारी फाइनल। इसमें जो हाइड्रोजन है हमारा वो अटैच हुआ है यहाँ पर, Br अटैच हुआ है हमारा यहाँ पर। तो यही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बस इसका थोड़ा तरीका अलग हो गया है। तो इसी को एक टॉपिक है फ्री रेडिकल रिएक्शन, वो इसी में इन्वॉल्व है, तो उससे कन्फ्यूज मत होना आप, ये इसी को देख लेना, यही आपको लिखना है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।